नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे कैबिनेट में पास यूसीसी ड्राफ्ट। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एक के बाद एक अपने बड़े दाव चल रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब रही कसर, अब यूसीसी भी पूरी होने जा रही है। उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा। धामी सरकार यूसीसी के विधेयक को 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में लाने जा रही है। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को सरकार यूसीसी के विधेयक को सदन में पेश करेगी। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक समिति ने तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए कानून की सिफारिश की है। वहीं सभी धर्मों में लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर एक पति पत्नी का नियम सभी पर लागू करने का समिति ने जोर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य की जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है। उधर समिति से ड्राफ्ट मिलने के बाद राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव से ठीक पहले यूसीसी को लेकर हो रही कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि यूसीसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक केंद्र सरकार की नाकामी को छिपाने के साथ ही चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार राज्य में यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार जनता से किए वादों को पूरा कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने राम मंदिर के बाद समान नागरिक संहिता का तीर भी चला दिया है। भाजपा को जहां इस तीर के निशाने पर लगने की उम्मीद है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनने से रोकने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि यूसीसी में महिलाओं को बराबरी का हक देने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही बहुविवाह पर रोक, तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की सिफारिश की है। वहीं सभी धर्मों में लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि यूसीसी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। किसी को टारगेट करना सरकार का उद्देश्य नहीं है, सरकार चुनाव में जनता से किए वादे को ही पूरा कर रही है। हमारा जो विधि डिपार्टमेंट है, संसदीय कार्य विभाग है, सभी विभाग उसको देखेंगे। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, परीक्षण करवाएंगे और आगे की कार्रवाई। विधानसभा का सत्र हमने इसी के निमित्त ये विशेष सत्र आहूत किया गया है। 5 तारीख से विधानसभा का, फरवरी में इसी माह विधानसभा का सत्र आहूत है और इसको चर्चा में लाएंगे। किसी के विरोध के लिए नहीं लाए हैं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने उनके सामने संकल्प रखा। ये हमारा चुनाव का संकल्प था, हमारा वायदा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मौका दिया सरकार में आने के, उन्होंने आशीर्वाद दिया तभी हम सरकार में आए और सरकार में आने के बाद हमने पहला काम यही किया। आपको बता दें कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने देश के प्रथम गांव माड़ा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रमों और वेब पोर्टल के जरिए समिति के पास 2,32,000 सुझाव आए, जिसके बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की जिसमें 4 खंड और कुल 740 पेज हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने समिति के द्वारा लाखों सुझाव के दावे को हवा हवाई बताया है। साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मुझे उन 2.5 लाख लोगों में से एक भी आदमी नहीं मिला। आप पत्रकार हैं क्या? आपसे बातचीत हुई? आपसे बात हुई
भाई आप लोगों से बात हुई, तो मुझे तो कोई आदमी इन डेढ़ सालों में नहीं मिला कि जिससे उनने वार्ता की। मैं मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष हूँ, मैंने पत्र लिखा है, वो पत्र आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने इनकी मीटिंग में कहा था, के लिए कहा था कि मैं आना चाहता हूँ, मैं सुझाव देना चाहता हूँ, लेकिन अंदर आप क्या मसौदा राय है तब हम उसमें अपने सुझाव देंगे, लेकिन उसका उत्तर आज तक मुझे सरकार और शासन ने नहीं दिया। जब मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष का यह हाल है तो आम आदमी से क्या राय ली होगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के फेलियर को छिपाने की कोशिश मात्र है, क्योंकि 10 वर्षों से वो लगातार यूसीसी की बात कर रहे थे, केंद्र में लागू नहीं कर पाए। ये सब्जेक्ट यूनियन का है, केंद्र का है, ये राज्य का सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ, हरियाणा में, हिमाचल में, बगल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में लागू नहीं हुआ, तो ऐसे यूसीसी का क्या लाभ है, क्योंकि पूरा भारत एक संघ राष्ट्र है और इसमें अगर कोई कानून लागू होता है तो सबके लिए लागू होना चाहिए। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को एक चीज़ की चिंता ज़रूर है कि कहीं 7 वर्षों की तरह सरकार फिर वही ना करे कि जिस दिन कोई ड्राफ्ट लेके आती है उस दिन 10 बजे 10:30 बजे वो विधायकों के टेबल पर पहुंचता है, उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता और हो हल्ला में उसको पास कर देते हैं। सत्र चलाएं, लंबा चलाएं, कम से कम 6-7 दिन रखें ताकि यूसीसी के ड्राफ्ट पर सारे विधायक पक्ष और विपक्ष के अपनी वार्ता कर सकें, बात रख सकें और अच्छी डिबेट हाउस में हो। किसी तरह से भी ठीक नहीं बैठता, फिट नहीं बैठता है उत्तराखंड क्या पूरे देश की भौगोलिक स्थिति के आधार पर। हमारा देश जो है वो अलग अलग तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न मजहब के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, ये तमाम लोगों को आज़ादी से जीने का हक है इस भारत देश के अंदर। हमारी उस आज़ादी को छीनने की एक कोशिश की जा रही है यूसीसी के माध्यम से। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश और प्रदेश की सरकार एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए और एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए यूसीसी लाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये यूसीसी जो है वो उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह होगा। आने वाले समय में वो देखेंगे जो आज धर्म विशेष को खुश करने के लिए लाया जा रहा है वो उस धर्म विशेष के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। यूसीसी उनके अधिकारों का भी हनन होगा, उनकी आज़ादी भी छिनेगी, लेकिन आज बाकायदा एक धर्म विशेष को मुद्दा बनाकर यूसीसी थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि उत्तराखंड की अगर आप भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में यूसीसी फिट नहीं बैठता है। यहाँ अलग तरह के लोग हैं, यहाँ पहाड़ी अलग हैं, प्लेन के अलग हैं, कुमाऊनी अलग हैं, गढ़वाली अलग हैं, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, दलित अलग, पंजाबी अलग, पारसी अलग, ईसाई अलग, सबके रीति रिवाज अलग, सबकी शादी ब्याह के तरीके अलग, सबके ज़िंदगी गुजारने के तरीके अलग, सबको खान पीन का तरीका अलग, सबकी नमाज इबादत करने का तरीका अलग, उन सबको आप जो है नज़रअंदाज कर सिर्फ एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए। बिल्कुल, मजलिस हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका विरोध पूरे देश में किया है, हम भी इसका विरोध करेंगे और पार्टी की गाइडलाइन भी यही है कि हम यूसीसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे और मजलिस उत्तराखंड में भी उसका विरोध करेंगे। तो आने वाली यही है कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इसकी तैयारियाँ आप जैसे कि डॉक्टर सक्सेल ने बताया कि हम आज तमाम लोग आए हुए हैं, हम उन्हीं तैयारियों के तहत यहाँ पर हम बैठे हैं और इसमें मुद्दे क्या होंगे हमारे, मेन मकसद यही है। अब मुद्दे तो आपको पता ही है कि भाई अब जैसे यूसीसी वाला मामला है तो यूसीसी वाला मामला ही तो जानबूझ के इसे लाया जा रहा है कि इतनी जोरों से जो बुलनिवास वाली बात आ रही है ना ताकि इसको दबा दिया जाए, लेकिन हम लड़ेंगे, बहुत मजबूत ढंग से लड़ेंगे। आप मूल निवास को बहुत प्रभावी ढंग से हर जगह लागू करेंगे, एक इसी जगह नहीं, हमने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया कि हर जगह कहाँ कहाँ हमें मूल निवास चाहिए। मूल निवास मान मूल निवास नहीं चाहिए, मूल निवास लागू करने की बात हो रही ना, उस पर भी लागू करो, उस पर भी लागू करो, उस पर भी लागू करो, तमाम जितनी चीज़ें पहले होती थी वहाँ पे लागू करिए। आप बीजेपी के वो अपने मुद्दे हो सकते हैं, हमारे अपने मुद्दे हैं, हम क्षेत्रीय पार्टी हैं और निश्चित है क्षेत्रीय पार्टी समय बहुत मुखर होकर के प्रखरता से मूल निवास पे आगे बढ़ी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने राम मंदिर के बाद समान नागरिक संहिता का तीर भी चला दिया है। भाजपा को जहां इस तीर के निशाने पर लगने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस समेत तमाम नेता विपक्षी दल इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या यूसीसी के लागू होने के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या कुछ सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में जो यूसीसी की रार इतने लंबे समय से छिड़ी हुई थी आखिरकार उसमें विराम लगने का वक्त आ गया है। कैबिनेट में अब ये यूसीसी लाने के लिए सरकार सोच रही है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं विपक्ष इस यूसीसी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक करना चाहिए, इस यूसीसी में क्या कुछ प्रावधान होंगे ये सार्वजनिक करना चाहिए, उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। लेकिन उत्तराखंड की जो दशा दिशा है,
या जो स्थिति है, क्या उसके हिसाब से यूसीसी उसमें फिट बैठता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि उत्तराखंड को कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल राज्य बना दिया गया है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पास हो गया तो पूरे देश में होगा, और यहाँ फेल हो गया तो फिर हर जगह नहीं किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्या उत्तराखंड महज एक एक्सपेरिमेंटल राज्य बन गया है, ये तमाम सवाल हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, उमा सिसोदिया जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शबाबी पार्टी से, पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूखेडी से हमारे साथ जुड़ चुके, मनोज ध्यानी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत आशीष नौटियाल जी आपसे करते हैं, यूसीसी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, पिछली डिबेट में आपको याद होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि हम पहले विपक्ष को इतना ज्यादा उकसाते थे कि विपक्ष खुद कहने लगता है कि कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, और अब हम उसी स्थिति में कि विपक्ष पूछ रहा है कि आप यूसीसी कब ला रहे हैं, तो अब तो तारीख भी बता दी, दिन भी बता दिया, अब हम यूसीसी लाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित मैडम, भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए यूसीसी जैसे कानून की बात कर रही है। आप बताएं मैडम, यूसीसी आने से क्या बेरोजगारी मिट जाएगी? यूसीसी आने से क्या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी? इससे फायदा क्या होने वाला है? और बताएं इसमें है ही क्या यूसीसी का? जहां तक हमने पढ़ा और आपने अपनी डिबेट के माध्यम से भी बोला, सिर्फ सादगी आगे पीछे घूम रहा है, तलाक के, सादगी उम्र के, इसके और इसके अलावा कुछ नहीं। तो यही मुद्दा रह गया क्या यूसीसी के अंदर कि बस हम यहाँ पे 3 तलाक तो चलो पहले ही बंद हो गया था, अब इसके अंदर जो है बहु विवाह रुक जाएगा, कौन कर रहा विवाह इस जमाने में, कहाँ कर रहा 3-3, 4-4 विवाह? ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की एक व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और यूसीसी का जो मतलब है वो क्या है? समान नागरिकता कानून, एक देश एक कानून, बात तो ये हुई ना, सिर्फ यही कानून है। अच्छा, फिर दूसरा उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में इन्होंने जो है एक जनजाति को साइड कर दिया कि आपके लिए नहीं है यूसीसी और उगले, तो फिर एक देश एक कानून या एक राज्य एक कानून का हुआ? यूसीसी कुल मिला के सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात है। और अभी जैसे माने मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने तो वादा किया था और हमने सबसे पहला काम ही यही किया, तो मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा, वादा उन्होंने रोजगार का भी किया था जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, वादा इन लोगों ने लोकपाल का भी किया था जिसके लिए हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, आज तक क्यों नियुक्त नहीं किया, जिसके नाम पे आप करोड़ों रुपए साल का खर्च करते हैं पर वो लोकपाल नियुक्त नहीं कर पाए और जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसे एक ही काम था, ना कोई जनता मांग कर रही है, ना जनता चाहती है, ना कुछ, सिर्फ इनका अपना एक ही मुद्दा है बोला हुआ। और उस मुद्दे से मुझे नहीं लगता कि देश राज्य को या यहाँ के नागरिकों को कोई इसका कोई बड़ा फायदा होने वाला है। हमें फायदा तब होगा जब हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, उसके बाद आप बोलते रहे क्या कानून क्या बनाना है क्या करना है, आने वाले टाइम पे आप एक ड्रेस बना देंगे, सब एक ही जैसे कपड़े पहन के आएंगे, सब यही करेंगे, कुछ भी बोल लो, जिसपे कोई काम नहीं उसका तो यही काम है कि फालतू में जनता को कुछ ना कुछ परेशान करते रहो। तू एक दिन आज काली शर्ट पहन लियो, कल सफेद शर्ट पहन लियो, कल तुम ये भी करना शुरू कर दोगे, तुम पे तो कोई काम धंधे बचे नहीं है। पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जनता की भावनाओं को समझे, आज उत्तराखंड की जनता मूल निवास के लिए आवाज उठा रही है, आंदोलन कर रही है, उसके लिए सरकार का रुख साफ नहीं है। और जो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा और मैंने सुना आपके माध्यम से कि हमारा जो ये विधानसभा विशेष सत्र बुला ही दे रहे हैं, बाकी इसमें और कोई काम नहीं होना, यही काम होना है। और बताएं कितने दिन के लिए बुला रहे हैं? 700 पेजों का आपका इतना बड़ा कागज का गट्ठर है, आप बताएं मैडम, इस 700 पेज के कागज को कौन पढ़ लेगा विधानसभा के अंदर, कौन विधायक पढ़ लेगा, आपस में उस पर क्या चर्चा करने की? तो चर्चा का विषय है, जब यूसीसी कानून आएगा उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद एक विधायक निर्णय नहीं ले सकता कि हाँ बिल्कुल सही है खराब है, आपस में बैठक होगी, मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, उसके दूस पड़े बात होगी, वो उसके बाद का इशू है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ बेकार और जनता को गुमराह करने की चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वापस आते हैं आशीष जी। हमारे साथ यहाँ पर कमलेश उनियाल जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी। उमा सिसोदिया जी, कैसे देख रहे हैं? यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है, विशेष सत्र आएगा और यूसीसी का विधायक लाने की बात कही जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको?
देखिए एंकर महोदया, इस समय उत्तराखंड जो है वो पूरे देश के लिए एक गिनी पिग बन गया है कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप उत्तराखंड के ऊपर कर लीजिए, और उत्तराखंड उस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। अभी नोटियाल जी ने बात कही कि लोकायुक्त लागू नहीं हुआ, बेरोजगारी है, बहुत सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले कहा था कि हम आएंगे तो इन सब चीजों को हम लोग करेंगे। उसमें गैरसैंण राजधानी एक मुद्दा भी है, हम 3-3 राजधानियां यहाँ पर बना रहे हैं और आज तक उत्तराखंड के पास अपनी स्थायी राजधानी नहीं है, ये एक बड़ा मसला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद हाईकोर्ट ने हमारी सरकार को निर्देशित किया हुआ है कि आप पूरे प्रदेश में राजस्व पुलिस को खत्म करके नॉर्मल पुलिस थानों को आप खोलिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, जरा आप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या उत्तराखंड के गांवों में पुलिस थाने खोल दिए हैं। देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमारी पुलिसिंग की जो राजस्व पुलिस का जो कार्य प्रणाली रही उसकी पोल खोल के रखी है। 20 दिन तक उस बच्ची का पता नहीं चला क्योंकि जो उसका केस था राजस्व पुलिस जो पटवारी जो हाथ में डंडा लेके घूमते हैं उनके हाथ में था। जब रेगुलर पुलिस के पास आया तब वो भागदौड़ हुई, तब वो उस बच्ची का उसके साथ क्या हुआ ये सब और मीडिया में आया। तो उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि आप राजस्व पुलिस को खत्म कीजिए, उत्तराखंड की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अंग्रेजी शासन काल से जो चल रहा है वो उसको आप खत्म करें, 75 साल बाद आप रेगुलर थाने पूरे प्रदेश में खोलिए। उस पर कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई, कहीं आज तक एक नया थाना किसी पहाड़ की किसी चोटी पर नहीं खोला गया वहां के लोगों को, वहां पे लोगों को सुरक्षा देने के लिए। तो ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हमारी बेटियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और ये तमाम शिक्षा स्वास्थ्य इन मुद्दों पर तो विपक्ष शोर मचाते मचाते परेशान हो गया, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं बैंकती। बात यूसीसी पर आती है, चलिए यूसीसी पर भी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा, एक तरफ हम लोग मूल निवास के ऊपर इस समय हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मूल निवास कब से माना जाए, तो अगर आप यूसीसी लागू करते हैं तो जरा आप मेरे को ये बताएं कि यूसीसी किस पर लागू होगा। वो व्यक्ति जो एक साल पहले आकर रहना शुरू हुआ है, या वो व्यक्ति जो 1950 से यहाँ पर रह रहा है उसके ऊपर लागू होगा, या वो व्यक्ति जो 15 साल से यहाँ पर है उसके ऊपर लागू होगा, किसके ऊपर लागू होगा? आप उत्तराखंड का निवासी किसको मानेंगे? जिसने यहाँ पर आधार कार्ड हमारा बनाया हुआ है, वो 6 महीने पहले किराए पे आकर रहने लगा उत्तराखंड में, उसने यहाँ का आधार कार्ड बनवा लिया और उसके बाद आप उसके ऊपर यूसीसी लागू कर देंगे? ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं कि आप उत्तराखंड का नागरिक मान किसको रहे हैं, उत्तराखंड का निवासी आप किसको मान रहे हैं? अगर आप यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी कौन है, उत्तराखंड का मूल नागरिक कौन है। वही आंदोलन तो मूल निवास का चल रहा है, आप किसको मानेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा, यूसीसी लागू करने से पहले आपको हमारे संविधान में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे यहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदायों के मानने वाले लोग हैं और उनके कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं, शादी को लेकर रीति रिवाज है, उनके अपने दूसरे रीति रिवाज है, तलाक को लेकर रीति रिवाज है, उनको भी आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें संविधान को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूसीसी को सही तरीके से आप लागू कर पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है, जिसके ऊपर आप लोगों को जनता से और नेताओं से, दूसरी पार्टी के नेताओं से आपको राय लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर राय का तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ तो 4 लोग ऐसी कमरे में बैठे, एक लंबी छोटी रिपोर्ट आपको बना के दे दी, उसके बाद अल्लाह के आपने पटल पर रख दिया और हो हल्ला बजाया, तालियां बजाई, मेजे थपथपाई और पास कर दिया। आपको लगता है कि इस समय देश में लोकतंत्र है कि किसी को इसी बिल को लाने से पहले उस पर कम से कम 15 दिन बहस हो, जनता के पटल पे वो बिल आए और उसके बाद वो बढ़िया बिल निकले जिसपे कि हम भी क्वेश्चन ना उठा पाए, मीडिया क्वेश्चन ना उठाए और आम आदमी पार्टी भी क्वेश्चन ना उठा पाए, क्योंकि हम भी उस बिल के समय वहां पर मौजूद थे जब उस बिल पर बहस थी, जब उस बिल पे सुझाव मांगे जा रहे तो हमसे भी लिए गए। तो ये एक साथ समावेशी रूप से सभी प्रदेश सभी लोगों को, जनता के नुमाइंदों को एक साथ एकत्र करके जब उनके सुझावों से कोई बिल बनता है तब वो बिल इस तरह से बनता है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन यहाँ पर तो लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है और सरकार के जो मनाए वो लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने यूसीसी भी लागू कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है उमा जी, वापस आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। हरियाणा की पारदर्शी मनोहर सरकार, 1,10,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी रोजगार, ग्रुप सी और डी में निष्पक्ष भर्ती के लिए समाप्त साक्षात्कार। मैं यहाँ पे नगर निगम सोनीपत में लिपिक के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ 2020 में नौकरी लगी थी बिना खर्ची बिना पर्ची। जो भी बच्चा एग्जाम देगा, एग्जाम क्लियर करेगा, बिना किसी से कुछ सिफारिश करे वो नौकरी लग जाएगा। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकारी भर्तियों में बार बार आवेदन और फीस भरने से छुटकारे के लिए एकल पंजीकरण सुविधा, बार बार प्रतियोगी परीक्षा से छुटकारा, कॉमन पात्रता परीक्षा संचालित। नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा, अब ग्रुप सी और डी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी। डबल इंजन हरियाणा सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता से युवाओं को रोजगार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं यूसीसी को लेकर। जिस तरीके से यूसीसी अब विशेष सत्र में लाया जाएगा, अब इसको लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है जो कि जायज भी हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पीसी तपलिया जी, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले पर? ठीक है, पीसी तपलिया जी शायद फिलहाल हमारे साथ मौजूद नहीं है। कमलेश जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि बहुत कुछ जरूरी है उत्तराखंड में, यूसीसी लाना इतना जरूरी नहीं था, एक देश एक कानून की बात हो रही है तो हम राज्य में यूसीसी क्यों ला रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के सारे मुद्दे खत्म हो गए इसलिए हम बैठ कर अब यूसीसी पर बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार ने, हमारा तो मैनिफेस्टो में था और जो हमने मैनिफेस्टो में था उस मैनिफेस्टो के हिसाब से मई 2022 को एक कमेटी का बनाई गई। उसके कमेटी के माध्यम से एक सुझाव दिए गए, करीब 3 से 2.5 लाख करीब लोगों से ऑफलाइन ऑनलाइन सुझाव आए। उस सुझाव के भी कई मैं प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, साफ थोप दिया गया है या इस तरह का 700 पन्नों की है, कौन पड़ेगा। तो एक व्यवस्था है सरकार की, कोई भी नियम और कानून बनाने हैं कि उस नियम और कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाता है। जहां तक आम जनमानस से या 13 जनपदों से सुझाव लेने वाली बात होती है, वहां सुझाव हमने लिए हैं और उसके बाद कल ही 2 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष समिति ने अपनी रिपोर्ट करी है और इसमें कैबिनेट में इसका जो अवलोकन के उपरांत इसको विधानसभा में आएगा और प्रत्येक दल के विधायक है वहां पे, वो अपनी बात वहां रख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई इसमें परिवर्तन की बात होगी या कुछ चेंज करने की बात होगी तो उस हिसाब से किया जा सकता है। और ये तो संविधान में प्रावधान है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई नियम नया बनाना पड़े, कोई कानून बनाना पड़े या किसी कानून में संशोधन करना पड़े तो निरंतर एक प्रक्रिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे कई हमारे प्रवक्ता ने सुन रहा था, थोड़ा मैं लेट से आया तो उसके लिए भी छोड़ चाहूंगा कि कुछ कह रहे थे कि भाई क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। यहाँ पे अगर देखने का जो नहीं कमलेश जी, हम ये पूछ ही नहीं रहे आपसे कि क्यों जरूरी है क्यों नहीं जरूरी है, ये हम बाद में मनोज ध्यानी जी से समझेंगे। हम ये कह रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में और मुद्दे जरूरी नहीं है? गैरसैंण राजधानी बनाना आपके मैनिफेस्टो में नहीं था, लोगों को रोजगार देना आपके मैनिफेस्टो में नहीं था, भू कानून आपके मैनिफेस्टो में नहीं था, साथ ही साथ मूल निवास की जो समस्या है क्या वो आपके मैनिफेस्टो में नहीं थी? ये सब कुछ आपके मैनिफेस्टो में था लेकिन यूसीसी जो इतना जरूरी नहीं है, आज से 4 साल बाद भी यूसीसी आप लेकर आते ना तो भी शायद जनता आपसे पूछ रही होती कि हमें अभी फिलहाल यूसीसी की जरूरत नहीं है, जो हमारे आज की जरूरत है, जो हमारी आज की बेसिक नीड है, आप उस पर काम छोड़कर आप यूसीसी का ड्राफ्ट बनवाने बैठ गए और उस पर भी पीठ थपथपा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है क्या? अच्छा, बोल लूं जी मैडम, मैं एक चीज बोलूंगा, हमने चाहे भू कानून की बात है, भू कानून की समिति सरकार कार्य कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे उसके अलावा रोजगार की स्वरोजगार की हम लोग बात करते हैं, कई बार विषय आते हैं, नए नए डिबेट बिंदु आते हैं, लेकिन आप तक कई बार भू कानून के विषय में हमने चर्चा की है, लोगों ने कहा भू कानून के लिए समिति और कमेटी का गठन करके उसका भी एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार हो, उसके लिए भी हमारी जो समिति है वो कार्य कर रही है।
आज आने वाले टाइम पे आप देखोगे इसी तरह की जो हम आज यूसीसी के लिए बैठे हैं, एक दिन हम सशक्त भू कानून के लिए भी डिबेट का चर्चा आएगा जिस दिन वो उस रिपोर्ट माननीय सीएम साहब के सम्मुख रख करके कैबिनेट में आएगी। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसी चीज में कार्य हो रहा है, किसी में आ रहा है, अब कोई आगे आ गया कोई पीछे आ गया। हमारे मैनिफेस्टो में जो जो चीजें थी, चाहे वो केंद्र की हम लोग बात करते हैं चाहे हम प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारी सरकार ने तो ये वो लोग बोलने वाले हैं कि साहब तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, आज बन भी गया है, धारा 370 हटाएंगे। ऐसे कई लोग थे, यही तो विपक्ष था जो बोलता था कि भाई धारा 370 हटा दे खून की नदियां बहा जाएंगे। आज वो जनगण मन गाते हैं 15 अगस्त को, अपने यहाँ झंडा फहरा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। मैं एक चीज बोलूंगा, हर चीज होगी, हम कमिटमेंट के साथ राजनीति करते हैं, बिना विकल्प रहित संकल्प के साथ हम कोई कमिटमेंट करते हैं, अपना जो हमारा घोषणा पत्र के साथ हम कार्य कर रहे हैं। और यूसीसी की जहां तक हम लोगों को डिबेट पॉइंट है, उसी में दुबे में आप अगर थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं, यूसीसी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूसीसी से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि कई ऐसे, चाहे चमोली का स्थिति ले लें, चमोली में कई ऐसे दूर गांव है जहां आज मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और पूरे पूरे विधि विधान से हमारे साथ हमारे हर त्योहार बाग त्योहार जो भी होते हो हमारे साथ बनाते हैं और हमारे साथ उनका भाईचारा है। आप तराई वाले जिले ले लीजिए, वहां भी बहनें हैं हमारी, मुस्लिम बहनें, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, कई ऐसे धर्म के लोग हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक भिन्नता है। और उस भिन्नता का कारण क्या है, चाहे वो पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो, पैतृक संपत्ति के अगर हम बंटवारे की बात करते हैं उसमें महिलाओं को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं। अगर कोई पुरुष है तो लड़का है तो लड़के को ज्यादा और महिला को उसका 50% है। तो ऐसे कई जगह हैं जहां पर किसी परिवार में खाली लड़की लड़की थी, लेकिन आज बंटवारे की बात आती है तो कहीं ना कहीं ताऊ चाचे लोग उसमें हक जमाते हैं कि साहब ये तो हमारे जो पर्सनल लॉ बोर्ड है मुस्लिम उसके हिसाब से बंटवारा होगा। तो कई ऐसी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं। आप अगर सपोज करो इसमें किसी बच्चे को गोद ले तो बायोलॉजिकल स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं और किसी बच्चे को अगर गोद ले देते हैं तो उसके अधिकारों में भिन्नता है, उसको हिसाब से नहीं देखा जाए। शादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो तलाक का प्रावधान हो, चाहे शादी करने को लड़की के लिए अलग नियम है, लड़कों के लिए अलग नियम है। ये तो चलो जो है तो आप कह रहे हैं, अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि शादी पे आ गए, इस पे आ गए। आप ये बताओ, क्या वो हमारी मुस्लिम छोटी बहन है जो पढ़ना चाहती है, अपना कैरियर में खड़ा होना चाहती है और 21 साल से पहले 12 13 साल में उसकी शादी की जा रही है, तो उसके साथ एक जाति नहीं है? तो क्या एक देश एक संविधान और एक संविधान नहीं होना चाहिए? कमलेश जी, मैं आती हूँ वापस आऊंगी, रुकिए जरा, रुक जाइए। पीसी थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं? यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है, सौंप भी दिया गया है, अब पटल पर आना बाकी। ऐसा है मैडम कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि देवतुल्य जनता से जब इन्होंने जनादेश मांगा था उस समय इनके जो चुनावी वो था घोषणा पत्र उसमें इन्होंने ये रखा, जनता ने इनको पूरा समर्थन दिया और इसलिए ये प्रतिबद्ध थे इसको लाने के लिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसी जनता ने इनको हरा कर बोला था तुम घर में बैठो, ये दोबारा कैसे जीत गया? अब ये बताइए आप, ये जो उत्तराखंड है तो जिताने वाले भी तो जनता ही है ना थपलियाल जी? नहीं, जनता मैडम जनता नहीं रही, अब माफिया जिताता है उत्तराखंड में। हम लोग ये जीतते हैं, ये अपने को जितवाते हैं मैडम, हम लोगों से बच्चे बाहर है। ये लोग जो अभी इन्होंने गुब्बारा फूका और उड़ा रखा है गुब्बारा, क्योंकि इन्होंने धर्म के जो अफीम हमें खिला रखी है उसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को केंद्र समझ गया है कि बाप रे बाप, ये तो लगाना बहुत असंभव है, नहीं तो हमारी सत्ता से बाहर हो जाएंगे हम। तो अब इन्होंने चूंकि पहले बोला हुआ था, अब ये लोग यहाँ पे क्योंकि इनकी प्रयोगशाला है, सभी ने कही दिया है कि इनका ये जो अगर मुख्यमंत्री जी को ये बोल दिया जाए कि तुम कल उत्तराखंड की रजिस्ट्री वो अडानी अबानी के नाम कर दो तो कर देंगे वो। मैं ये स्थिति पैदा हो चुकी है, आज उत्तराखंड बेबस है, बिल्कुल बेबस है। और इसलिए हम स्थायी राजधानी मांग रहे हैं, स्थायी राजधानी नहीं दे रहे, हम मूल निवास भूकरण की बात कर रहे हैं उसके छेड़ नहीं रहे। आज पलायन से परेशान है पूरा पहाड़, जंगली जानवरों के हवाले हो गया है और वो जंगली जानवर देहरादून में भी आने लग गए, इतनी मात्रा में बढ़ गए वो लोग जंगली जानवर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सरकार हमारे साथ देवतुल्य जनता के साथ मजाक करते हुए उसकी पीठ पर छुर्रा बोक रही है मैडम, छुर्रा। ये लोग अगर आप उसको पढ़ोगे जो ये इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है, ये केवल मुसलमान महिलाओं के और हिंदू महिलाओं के अधिकार एक के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया।
यूनिफॉर्म सिविल कोड कह कह के लोगों में हमने एडवाइस ली लोगों की, हमेशा जो ये जो हिंदूवादी लोग हैं और जो मैक्सिमम उत्तराखंड में है, इनकी हमेशा डिमांड रहती थी कि साहब जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे टच भी नहीं किया, टच भी। अब ये हलाला की बात करते हैं, ये शादी की एज की बात करते, वो तो ऑलरेडी केंद्र पास कर चुका है, केंद्र कह चुका है कि 18 साल की लड़की 21 साल का लड़का। अब ये दोबारा उसको रिपीट करके यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाकर ये इतना इंटेलेक्चुअल रिस्टेट है उसको बेवकूफ बना दे। और हलाला जो ये वो मुस्लिम समुदाय में जो उनके में प्रयोग होता रहता है उसको, क्योंकि समाज हमारा इतना जटिल है मैडम कि समाज के जो रीति रिवाज संस्कृति और संस्कार, इनके कानून उसको कदा भी नहीं रोक सकते। और जो कोई इसको करेगा तो फिर महिलाएं, इन्होंने कठोर कानून बनाए महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, उसमें हमने हमें क्या मिला, हमें अंकिता वाला कांड मिला, और यही लोग उसके दोषी रहे। जितनी आज उत्पीड़न महिलाओं के ऊपर हो रहा है उसके जो भेड़िए हैं इसी जमात के लोग हैं। और आज ये वो महिलाओं की बात कहकर लोगों को बेवकूफ बनाने का राष्ट्रीय स्तर में काम कर रहे हैं। वो आपने राष्ट्रीय स्तर में देखा होगा 26 जनवरी में पूरी जो कर्तव्य पत्र था, कर्तव्य पद नाम था, उसमें महिलाओं का सर्कस, मोटरसाइकिल में टंगी हुई है, इधर टंगे हुए हैं। अरे ये देखने के लिए हमने 26 जनवरी, मतलब तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो देश के साथ, राज्य के साथ। और राज्य ऐसी स्थिति में है कि इनको स्थायी राजधानी की चिंता ही नहीं है। किस 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 स्थिति में हम इनको बोल रहे हैं कि उसकी अंकिता की माँ रो रो के बोल रही है कि मैं अजय कुमार पे मेरे को शक है उसके थपलियाल जी। मैं वापस आती हूँ, जरा फटाफट मनोज जानी जी का इस पर भी रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर वापस चर्चा को बढ़ाते हैं। कमलेश जी प्लीज, मनोज जानी जी का रुख नहीं किया हमने, काफी देरी से इंतजार करें। मनोज जी माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूं मैं। यूसीसी पर क्या आपकी राय है, क्योंकि देखिए विपक्ष का कहना भी बहुत हद तक ठीक है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तराखंड की अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो हम अभी उतने लायक नहीं हैं कि हम यूसीसी को का भार वहन कर सकें या यूसीसी अब हम अब्सॉर्व कर सकें। भाई हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, जैसे कि अभी उमा जी कह रही थी लोकायुक्त की बात की, पलायन की बात हुई, भू कानून की बात हुई, मूल निवास की बात हुई, ये वो मुद्दे हैं जो इस वक्त बेसिक नीड है उत्तराखंड की। और यूसीसी जिसका कोई फिलहाल उत्तराखंड से मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ खास इसका 1% भी फायदा होने वाला है यहाँ के लोगों को। और क्या सिर्फ एक ही समुदाय को लेकर ये पूरा यूसीसी ड्राफ्ट तैयार हो गया, क्योंकि जिक्र तो कुछ वैसा ही सुनाई दे रहा है अगर हम इसको थोड़ा बहुत जितना भी समझ पाए अगर हम उसकी बात करें तो। यशी जी देखिए, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में कुछ बात निर्देशित की गई है राज्य के लिए कि राज्य उनको लागू करेगा, और उसमें ये पर्यावरण का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए कार्य करने के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं कि राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार से है और राज्य सरकारें भी उससे बनती हैं। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात है, उसमें गौ कसी बंद करने की बात है, इस तरीके के कई ऐसे विषय थे जो अधिकारों से अलग थे लेकिन राज्य अपने नीति में उसे समाहित करे, ऐसा राज्य से एक्सपेक्टेशंस रही है। मैं दो चीजें जोड़ना चाहूंगा, एक तरफ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बिल का स्वागत करते हुए, क्योंकि जितने भी नीति निर्देशक तत्वों में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो राज्य का होना चाहिए, मैं चाहूंगा कि सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो राष्ट्र के संविधान निर्माताओं का जो संकल्प था, दृष्टिकोण था, वो लागू होना चाहिए किसी न किसी स्तर पर। लेकिन मैं एक कुछ चीजों की ओर जरूर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, आप उसके अंदर देखें कि जो देश जो राष्ट्र का जीरो एमिशन नॉर्म्स का जो टारगेट है उसे बढ़ाकर 2070 कर दिया, यानी 46 साल बाद जो 2030 में होना चाहिए था टारगेटेड एज पर
संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से उसे बढ़ाकर 46 साल आगे खिसका दिया है बजट प्राविधान के हिसाब से। और यूसीसी जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार खामोश रही है, जबकि केंद्र सरकार का संकल्प रहा है। उत्तराखंड बहुत ये संवैधानिक गंभीरता का विषय है कि उत्तराखंड इसको किस तरीके से लागू करेगा। अब चूंकि उत्तराखंड में एक सवाल बहुत गंभीरता से उठा है, और मैं देख रहा हूं कि एक हमारा ट्राइबल सेगमेंट है जहां बहुविवाह पड़ता है, ऐसा ही मुस्लिम समुदाय के भीतर भी होता है, तो क्या सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों ही पक्षों पे बराबर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं आप ही की जो टिप्पणियां जो साफ पढ़ रहा था उसमें यह था कि जनजाति क्षेत्रों को इससे अलग रखा जाने का प्रावधान बन रहा है, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ, कि यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्मिटी, वो सब पर बराबर लागू हो। Exactly. लेकिन सब पर अगर बराबर, मनोज जी यही मेरा सवाल था कि भाई अगर आप जनजातियों को अलग रख रहे हैं तो क्या आप सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? मैं मेरा कहने का अर्थ है कि सब पर अगर बराबर लागू नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म शब्द नहीं होगा, उसको हम यूनिफॉर्मिटी में नहीं लाएंगे, तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ऐसा है तो, क्योंकि मैंने उस विधेयक के अंशों को पढ़ा नहीं है, जनता के बीच वो बहुत ज्यादा फैलाया नहीं गया, उसमें चर्चा नहीं मांगी गई है, तो क्योंकि हम लोग जानते नहीं है कि वो क्या है, वहां पर किस तरीके के प्रावधान है वो समझ रहे। लेकिन आप अगर इसको मैं जरूर ये जानना चाहूंगा क्योंकि भाजपा संगठन के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, कि जब खंडूरी है जरूरी ये नारा दिया गया था तो उस समय अन्ना जी के आंदोलन को दृष्टिगत उत्तराखंड में जो लोकायुक्त कानून जो पारित हुआ था वो लोकायुक्त कानून पे सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट लगातार बोल चुकी है कि आप लोकायुक्त गठित करिए, आज तक लोकायुक्त गठित नहीं हो पा रहा, उसके इंटरनल प्रोविजंस में खामी है ये मैं जानता हूं और मैं ये पहले उठा चुका हूं। लेकिन जिस तरीके से लोकायुक्त कानून बनने के बाद आज तक लागू नहीं हुआ, क्या ये सिर्फ चुनाव को दृष्टिगत रहेगा, इसी समय तक रहेगा और बाद में इसका हश्र जो है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मनोज जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, जरा कमलेश जी की इस पर राय ले लेते हैं। कमलेश जी अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज, और थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा, अनम्यूट कीजिएगा कमलेश जी। अपने प्रवक्ता हमारे थपलियाल जी बता रहे थे यूकेडे के भाई, ये जो अपना चाहे वो मूल निवास हो चाहे अपना प्लान हो चाहे भू कानून की बात कर रहे थे, 26 जनवरी को भाई परेड कराई जा रही महिलाओं की और सर्कस कराया जा रहा है। देखिए मैं बताऊं, हम तो एक चीज मान के चलते हैं, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने या हमारी जो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कि आधी आबादी की अगर हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं की जहाँ तक चाहे वो किसी भी समुदाय के, चाहे पारसी समुदाय की हो, चाहे क्रिश्चियन समुदाय की हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के, सप्लाल जी जैसे बता रहे थे कि भाई चाहे वो मूल निवास या स्थायी निवास, तो मैंने कहा प्रत्येक जो भी हमारे मैनिफेस्टो में या जो भी जनता के अलावा जो भी चीजें सामने आती हैं कि भाई, क्योंकि 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2022 में बनी है, तो सर जनता की कई अपेक्षाएं हमें थे और उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना ही हमारा मूल वो है, उद्देश्य है। उसके लिए हमने कई रोड मैप और कई ऐसे प्लान बनाए हैं, चाहे स्वरोजगार की स्थिति हो तो उसके अंदर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी, ताकि कितना ज्यादा से ज्यादा भार का। कमलेश जी मुझे ये बताइए, जो मनोज धानी जी ने कहा कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ, समान नागरिक का मतलब होता है उत्तराखंड का हर व्यक्ति उस कानून के दायरे में आना चाहिए, आप जनजातियों को अलग रख रहे हैं, तो ये किस तरीके का कानून हुआ फिर, ये किस तरीके का आप यूसीसी की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर चाहे पारसी समुदाय का हो, चाहे अपना मुस्लिम समुदाय, चाहे यहूदी समुदाय या सिख समुदाय, किसी भी समुदाय चाहे हिंदू समुदाय, ये सभी को अगर हम लोग देखते हैं कि एक देश और एक कानून की हम लोग बात करते हैं, इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई, इसकी शुरुआत उत्तराखंड से, पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो पूरे प्रदेश का, पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर की शुरुआत हो रही है। इसमें अगर सर आप समझ ही नहीं, कमलेश जी आप सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे मेरा प्रश्न क्या है। उमा जी
देखिए मैंने पहले भी बोला उत्तराखंड सिर्फ एक गिनी पिग बन के रह गया है कि छोटा राज्य है, यहाँ पर यूसीसी लागू करके देखो पूरे देश में इसकी क्या रिएक्शन आती है। अगर उस रिएक्शन उस तरह से आए कि सरकार उसको कंट्रोल कर सके तो फिर धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। अगर रिएक्शन इतनी एडवर्स आ गए कि सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो यूसीसी को धीरे धीरे उत्तराखंड में भी दबा दिया जाएगा। ये बात हम सब लोगों को समझ में आती है, अदरवाइज तो ये सेंटर में सेंटर से लागू हो जाना चाहिए था। और फिर मैं पूछूंगी कमलेश जी से कि उत्तराखंड के नागरिक हैं कौन, वो जो छह महीने पहले उत्तराखंड में आगे से क्या वो आपने बताइए ट्रिपल तलाक में, ट्रिपल तलाक का जो कानून आया उसमें मुस्लिम महिलाओं को संतुष्टि है ना? कमलेश जी पूरे देश में है हम भी परेशान है। अभी सम्राज जी कह रहे भाई साहब ये रिझाने वाली बात है, ये एक तरह से रिझाने वाली बात है। अरे मैं तो बोलूंगा अगर किसी चीज का, ये तो अच्छी बात है अगर महिलाएं समर्थन कर रही हैं उस कानून का, तो आज जो हमने यूसीसी की बात की थी तो यूसीसी का भी दूर का मील का पत्थर साबित होगा। और इसकी शुरुआत देवभूमि से होती है ना, मील का पत्थर ना आप चाहे मैं चाहे अगर महिलाओं के लिए कुछ और कानून नहीं आपसे ये भी तो पूछ रही थी ना कि आखिर मूलवासी कौन है, वो जो 1950 में आके इधर बस गया था वो, या जो अभी कल परसों आ गया उत्तराखंड वो, या साल भर पहले आया है वो, कौन लोग है मूल निवासी, ये कौन यूसीसी के दायरे में कौन लोग आ रहे हैं? बिल्कुल मूल निवासी, मैंने आपको पूर्व में बताया था। ये बताइए सुनिए एक प्रैक्टिकल बात में आप मुझे बता दीजिए जो मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है उत्तराखंड का, उसका आधार कार्ड है, वो उत्तर प्रदेश गया, वहां वो उसने दूसरी शादी करी और बीवी को लेकर यहाँ आ गया, क्या उसके ऊपर यूसीसी लागू होगा या नहीं होगा बताइए आप मेरे को? वो कहेगा मैंने तो शादी उत्तराखंड में करी ही नहीं है, मैंने तो उत्तर प्रदेश में जाके शादी कर ली। जिसके जो यहाँ का स्थायी निवासी होगा, या उसने अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश में रखा है, पत्नी को उसने उत्तराखंड में रखा, वो कह रहे कि मैं तो उत्तराखंड में शादी नहीं। अरे हम यही तो कह रहे हैं ड्राफ्ट तैयार, आप सुन लीजिए ना ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट तैयार हो गया, कानून बना रहे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कोई नियम बनने से पहले विधानसभा में प्रत्येक दल के अपने अपने विधायक है, वो अपने हिसाब से आपत्ति उठाएंगे। बात कर रहे थे आपको पेजों की जो रिपोर्ट तैयार की, आपको सवालों को समझ पा रहे हैं ना, आप ठीक से जवाब दे रहे हैं। आपको कैसे भी करके यूसीसी की तारीफ करनी है, आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई जो इसके क्लॉज है उनका कौन जवाब देगा, कौन बताएगा उनके बारे में हमें? इसीलिए तो कहा जा रहा था कि भाई इसे सार्वजनिक करिए, लोग पढ़े समझे जाने कि आखिर ड्राफ्ट में क्या है। एक ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है, हम उसको पटल पर लाने जा रहे हैं, अब आप इंतजार करिए। अरे मैडम ऐसा ना प्रक्रिया होती है, आपको विधायक विधान आप ऐसे कीजिए, विधायक विधानसभा कानून बनने के ही है, विधानसभा में उस कानून को रखा जाएगा, उसमें चर्चा होगी, चर्चा के बाद तब जाएगा जिसका मुद्दा होगा। अब यही तो है, अगर इनके संख्या विधानसभा में जिसको पारित होगा, अब कहने का मतलब पारित वो जनहित की बात है तो जनहित के लिए करीबन 2.5 लाख सर बस वही तो बात है ना कि जनहित ही तो नहीं दिख रहा है हमें, हम इसीलिए तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जनहित आप बता नहीं पा रहे। आशीष जी 30 सेकंड्स में अपनी बात को पूरा करिएगा बस। आशीष जी व्यवस्था है की आपसे यूसीसी को लेके कोई अपेक्षा नहीं थी, जनता की आपसे जो अपेक्षा थी रोजगार को लेके थी, स्वास्थ्य को लेके थी, रोजगार और शिक्षा को लेके थी। रोजगार की अपेक्षा किससे है, हमें तो यूसीसी लाना है, वो भी हम पूरी तरीके से सब पर लागू नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया, जल्द उसे पटल पर लाने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष के मन में भी कई सवाल है, साथ ही साथ जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इस यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या कुछ है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ एंड एआरवी।